नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से क्या आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि समर ऑलमोस्ट हिट हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया में ही, यहाँ तो मुंबई में तो बाप रे बाप बहुत ज्यादा तड़ाके वाली गर्मी स्टार्ट हो चुकी है एंड आई एम श्योर काफी जगह पर समर ऑलमोस्ट हिट हो चुका होगा। तो क्योंकि अब समर आ चुका है सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू यू नो अपग्रेड योर वार्डरोब। समर के अकॉर्डिंग आपको नाइट सूट्स चाहिए होंगे, अंडरगार्मेंट्स चाहिए होंगे एंड यू नो व्हाट नॉट, आपको स्पोर्ट्स वेयर चाहिए होंगे। सो यस, आज मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या समर कलेक्शन में शॉपिंग किया हुआ है। हॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ दैट ज़िवामे पर सनी साइड अप सेल स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 7th of April 8 PM से, जहां पर आपको अप टू 60% तक ऑफ मिलेगा। 15 days का रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी रहेगा, सीओडी अवेलेबल रहेगा, फ्री शिपिंग रहने वाला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घर के लिए। कुछ मैंने टी शर्ट्स लिए हैं एकदम लूज पैटर्न में। तो जो सबसे फर्स्ट टी शर्ट मैंने लिया है वो है ये पर्पल कलर का टी शर्ट है। बहुत ही सही कलर है, बहुत सही फैब्रिक आया है इसका एंड आई एम इन द साइज स्मॉल। 2021 का जो कलर है, कलर ऑफ द ईयर है, वो पर्पल कलर है फैशन सेंस में। तो ये कलर काफी ज्यादा ट्रेंड में और ये कलर बहुत इजीली मिलता भी नहीं है एंड आई रियली लव दिस कलर। ये कलर काफी क्यूट भी लगता है। सो दिस इज अ पर्पल कलर। मैं वैसे पर्पल कलर की पर्सनली बहुत फैन नहीं हूँ बट मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा है। तो ये है पर्पल कलर का टी शर्ट जो कि बड़ा ही कम्फर्टेबल है। जो फैब्रिक है वो बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये है मेरा फर्स्ट परचेज। मैंने परचेस किया है वो अगेन टी शर्ट ही है और इसमें मैंने ये सेम टाइप का ही पैटर्न है बट इसमें मैंने ये येलो एंड ब्लू कलर का टी शर्ट ऑर्डर किया है एंड सेम डिजाइन है। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर स्लीव्स में इस तरीके का पैटर्न है जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। कीप किलिंग इट, इसमें लिखा हुआ है कीप किलिंग इट, सो स्कूल घर में पहनने के लिए। सो दिस इज माई सेकेंड टी शर्ट। अगेन दिस इज इन द साइज स्मॉल। बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है एंड बहुत ही ज्यादा ऐसे, मतलब गर्मी में ना यहाँ पे गर्मी में पहनने के लिए मुझे ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं जिनमें मैं ब्रीद कर पाऊँ, खाना बना सकूँ, बाकी के काम कर सकूँ। बहुत लाइट वेट और ऐसा फैब्रिक चाहिए होता है जो बहुत सॉफ्ट हो, मुझे लगे ना कि मैंने कुछ पहना हुआ है। तो दिस इज परफेक्टली लाइक दैट ओनली। समर टाइम यू डेफिनेटली नीड सम कॉटन गुड डेली वेयर ब्रा एज वेल। तो मैंने जो फर्स्ट ब्रा ऑर्डर करी है वो है ये ज़िवामे का। तो दिस इज अ सीमलेस टी शर्ट ब्रा जिसके अंदर कोई भी पैडिंग एंड वायर अंडर वायर नहीं है ये एंड बहुत ही सही है ये समर से पहनने के लिए। तो इसी तरह का फैब्रिक चाहिए होता है जो कि ब्रीदेबल भी हो एंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, अफोर्डेबल भी हो। कमिंग टू माई फोर्थ परचेस, अगेन आई बॉट अ ब्रा इन द ब्लू कलर। सो ये है नेक्स्ट परचेस एंड आई रियली लाइक द कॉम्बिनेशन। इसमें यहाँ पर ऐसे येलो कलर से डिटेलिंग दिया हुआ है, पाइपिंग दिया हुआ है एंड देन इसका जो स्ट्रैप है वो टील ब्लू कलर जो होता है ना वैसा है एंड बीच का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज इन द ब्लू कलर एंड दिस इज वेरी वेरी कम्फर्टेबल। दिस इज वेरी वेरी कम्फर्टेबल। अगैन कोई इसमें पैडिंग नहीं है, कुछ भी अंडरवायर पैटर्न नहीं है और बहुत अच्छा कवरेज देती है ये। आपको दिन भर पहनने में भी ऐसा नहीं लगेगा दैट यू आर वेयरिंग समथिंग। ये इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड अगेन सीमलेस है, आप किसी के भी अंदर इसको पहन सकते हैं। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेस। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट परचेस किया है वो किया है ये शॉर्ट्स, आप बोल सकते हैं केपरी या शॉर्ट्स जो भी आप इसको बोल सकते हैं। तो काफी अच्छा है, क्यूट सा है। मेरे पास काफी सारे ऐसे प्लेन टी शर्ट्स रखे हुए हैं सो आई रियली डोंट वॉन्ट अ कम्प्लीट सेट, मुझे ऐसे बॉटम्स चाहिए था तो मैंने ये बॉटम्स मंगवाया है। काफी कूल एंड पेपी कलर का है मेरे पास। रेड प्लेन कलर की काफी सारी टी शर्ट्स है, मतलब मरूनिश काइंड ऑफ, तो उसके नीचे मैं इसको सेट बना करके पहन सकती हूँ। लुक एट द प्रिंट्स, इसमें प्रिंट्स कितने ज्यादा क्यूट क्यूट से प्रिंट्स दिए हुए हैं। कैमरे में आई थिंक रेड दिख रहा होगा बट दिस इज नॉट एक्जैक्टली रेड, ये मरून है एंड एकदम सही साइज है। बहुत छोटा नहीं है, बहुत लंबा नहीं है जितना होना चाहिए, ये एकदम उतने फिटिंग पर ही है। नेक्स्ट मैंने परचेस किया है वो ऑफ कोर्स एक नाइट सूट खरीदा हुआ है। तो मैंने टी शर्ट एंड शॉर्ट सेट खरीदा है। तो दिस इज द टी शर्ट, जो वो जो शॉर्ट है उसके लिए ये टी शर्ट है एंड शॉर्ट सेट्स जो मैं खरीदती हूँ जो नाइट सूट पैटर्न में होता है वो मैं हमेशा मीडियम साइज में ही परचेस करती हूँ। मुझे थोड़ा लूज लूज चाहिए होता है, हर जगह से अंदर हवा आना चाहिए ऐसा चाहिए रहता है। तो उसका जो शॉर्ट का शॉर्ट्स का जो कलर है वो है ऐसा पर्पल टाइप का कलर है, काफी ब्यूटीफुल सा पर्पल कलर है। ये शॉर्ट्स ना तो बहुत ज्यादा छोटे हैं और ना ही बहुत ज्यादा लंबे हैं, एकदम
परफेक्ट साइज है, मतलब इसको पहन करके मैं जैसे हम लोग नीचे रात में वॉक करने के लिए भी जाते हैं तो अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, ये उतना साइज है। अदरवाइज बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है ना तो आप ऐसे सोसाइटी में सब अंकल आंटी लोग घूम रहे होते हैं, ओल्ड एज पीपल भी घूम रहे होते हैं, तो मैं तो पर्सनली बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती हूँ एकदम शॉर्ट्स पहनने में। और उसके बाद जो टी शर्ट है वो अगेन काफी लूज सी है, बहुत सही लग रही है, काफी लूज लूज सी टी शर्ट है, ब्लैक कलर में है। तो ये है मेरा नाइट सूट परचेस। परचेस किया है वो अगेन मैंने ये ट्रॉपिकल प्रिंट का ब्रा परचेस किया है, बहुत ही ज्यादा सही है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रा आई एवर ट्राइड फॉर यू नो घर में पहनने वाले जो होते हैं ना उस तरीके का, तो कोई पैच नहीं लगे हुए हैं। एंड इसका जो इवन ये वाला इलास्टिक है ये भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आपकी बॉडी पे ऐसे चिपकेगा नहीं इन समर्स। उसके बाद आते हैं लास्ट परचेस पे। तो एक्चुअली मैंने आई थिंक ये इतने किसी वीडियो में बोला है, ब्लॉग में बोला है, मैं जो जितने भी वॉक करने जाती हूँ या घूमने जाती हूँ उसके लिए जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं मेरे पास, मोस्टली जो स्पोर्ट्स वेयर है वो उनका जो बॉटम है वो मैं पहले एस साइज खरीदती थी, और एस साइज में भी वो जो एकदम टाइट फिटेड होते हैं ना वैसे वाले बॉटम्स, दो दे आर ब्रीदेबल बट स्टिल जब आपका बॉडी एम साइज को मांगता है बट आप फिर भी जबरदस्ती एस साइज पहन रहे हो तो कैसा आपको लगता है, घुटन होती है ना, तो वही मैं अभी कर रही थी। मेरे पास जो पुराने हो गए हैं वो सब मुझे अभी निकालना है। तो मेरे पास जो स्पोर्ट्स वेयर है अभी जो करंटली मैंने खरीदा था थोड़े दिन पहले वो एम खरीदा था, बट अगेन वो एकदम स्टिक बॉडी स्टिक वाला था। मुझे समर्स में पर्टिकुलरली सब कुछ लूज चाहिए होता है, मुझे कुछ भी बॉडी हगिंग वाली चीजें चाहिए ही चाहिए नहीं होती है, चाहे वो जीन्स हो, टॉप्स हो, स्पोर्ट्स वेयर हो, कुछ भी हो, मुझे बॉडी हगिंग चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो स्पोर्ट्स वेयर मंगवाया है और लाउंज वेयर बॉटम्स आप बोल सकते हो, ये ज़िलोसिटी का है, ज़िलोसिटी इज़ अ ब्रांड बाय ज़िवामे ओनली, तो ये मंगवाया है मैंने इन द साइज एस, थोड़े ऐसे लूज फिट में है क्योंकि साइड में ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है, सो आई रियली लाइक दिस वन। ये पहनने पर भी काफी कंफर्टेबल लग रहा था, एकदम ऐसे बॉडी हगिंग नहीं है, फिटेड है बट बॉडी हकिंग नहीं है, गेटिंग माई पॉइंट, एकदम चिपका हुआ नहीं है बट फिटेड है, अच्छी फिटिंग है, तो थोड़ा हवा आना चाहिए अंदर। तो ये अब मैं जो वॉक वॉक करने जाया करूंगी तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया है। यस, भूलिएगा मत, स्टार्ट होने वाला है सनी साइड अप सेल फ्रॉम 7th of April, जिसमें आपको मिलेगा अप टू 60% ऑफ, 15 डेज का एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी रहेगा, साथ ही साथ COD अवेलेबल रहेगा, फ्री शिपिंग रहेगी। तो यस, भर भर के करिए अपनी समर की शॉपिंग और अपने वार्डरोब को करिए थोड़ा सा अपग्रेड। तो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।